दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिए आप। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान बापी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सीधे तौर पर यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कथित शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी कि नमाज जारी रहेगी ज्ञान बापी मस्जिद में। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान बापी केस वाराणसी जिला जज को भेजा। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान बापी मस्जिद मामले को वाराणसी के जिला न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ पर फिर भी कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, लेकिन इस पर पहला फैसला वाराणसी की जिला अदालत करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज जारी रहने पर अपने 17 मई के आदेश को जारी रखने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहला फैसला यहां पर जिला जज का माना जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। ज्ञान बापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने 274 पन्नों का हलफनामा भी सौंपा था। ये दोस्तों इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर निकल के आ रही थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो